अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मिलने वाला है आपको एक चैलेंज। वो चैलेंज जो मैंने अपने आप को किया था जब मेरा नया चैनल था, ग्रो नहीं था हो रहा, तो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था। जैसे ही मैंने वो चैलेंज कंप्लीट किया, मैं ग्रो कर गया, मेरे सब्सक्राइबर्स ज्यादा हो गए और व्यूज आना शुरू हो गए। अभी यही चैलेंज मैं आपको दूंगा, अगर आप लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे तो आपका चैनल भी ग्रो करेगा और आपके व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या आप लोग इसके लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, वो चैलेंज क्या है और किस तरह आपका चैनल ग्रो करेगा, तमाम डिटेल अभी आपसे शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले चैलेंज सुन ले, चैलेंज है 30 डे का, यानी 30 दिन का, एक मंथ का चैलेंज है। इसको आपने एक मंथ के अंदर ही कंप्लीट करना है। अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका चैनल ग्रोथ में आ जाएगा और आपके व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। चैलेंज में सिंपल से स्टेप्स हैं, आपने उनको जरूर फॉलो करना है। सबसे पहले आपने एक टाइम सेलेक्ट करना है, यानी पूरे दिन के अंदर एक टाइम रखना है। वो टाइम किसके लिए होगा? वो टाइम होगा आपकी वीडियो के लिए, कि आपने अपने चैनल के ऊपर किस वक्त वीडियो अपलोड करनी है। और पूरे 30 दिन, पूरा एक मंथ उसी टाइम के ऊपर वीडियो अपलोड करनी है। उसके अलावा कोई भी 5 मिनट या 10 मिनट ऊपर नीचे नहीं करना, एक एग्जैक्ट टाइम रखना है। वो कोई भी टाइम रख लो, सुबह का या शाम का, एक टाइम सेलेक्ट कर लो, पूरा मंथ उसी टाइम आपने वीडियो अपलोड करनी है। ये है नंबर 1। सेकंड नंबर के ऊपर आपने पूरे मंथ के अंदर कोई भी दिन स्किप नहीं करना, यानी कि डेली बेसिस के ऊपर एक नई वीडियो अपलोड करनी है। 30 दिन एक वीडियो जरूर आए, 30 दिन के अंदर 30 वीडियो पूरी होनी चाहिए। और तीनों का टाइम भी सेम, इन पूरे मंथ के अंदर एक ही टाइम रखना है, टाइम को आपने चेंज नहीं करना, और पूरा मंथ लगातार वीडियो अपलोड करनी है। ये है रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 के अंदर आपने वो वीडियो अपलोड करनी है जो आपके चैनल के ऊपर पहले मौजूद ना हो, यानी कि ऐसी वीडियो जो आपके चैनल पर मौजूद है आपने वो अपलोड नहीं करनी। हर दफा एक नया कॉन्टेंट अपलोड करना है, नई वीडियो लगानी है, पूरा मंथ नई से नई वीडियो आनी चाहिए। यह है रूल नंबर 3। आगे आता रूल नंबर 4 की बारी। आपने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं लगानी जो आपकी निच के अलावा हो, यानी कि आप टेक वाले बनने तो पूरा मंथ आपने टेक वाली वीडियो ही लगानी है, उसके अंदर कोई भी मिक्स चीज नहीं करनी। ये है रूल नंबर 4। ये आप चारों चीजें अपनाएंगे पूरा मंथ इस चैलेंज को कंप्लीट करके, फिर मुझे कमेंट करना है कि सर हमने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया और हमारे व्यूज कितने ज्यादा हुए हैं, कितने हमारे सब्सक्राइबर बड़े मंथ के अंदर, वो आपने मुझे मंथ के एंड पर बताना है। और यकीन मानिए आपका चैनल ग्रो करेगा, व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है, उसके लिए आपने एक सिंपल सी टिप भी इस्तेमाल करनी है। वो टिप क्या है जी? वो सिंपल ये चीज है, पूरा मंथ आपने वीडियो लगाते रहना है। एक मंथ के बाद आपके पास 30 टॉपिक हो जाएंगे जो कि आप ही कैटेगरी के होंगे, लेकिन डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। कभी आपने वॉच टाइम का लगाया होगा, सब्सक्राइबर का लगाया होगा, व्यूज का लगाया होगा, चैनल को ग्रो करने का लगाना है होगा, यानी कि डिफरेंट चीजें होंगी आपके पास, जो भी कैटेगरी है उसके रिलेटेड बोल रहा हूं मैं। उसके बाद आप लोग पूरे मंथ के बाद अपने चैनल को देखेंगे किस वीडियो के ऊपर मेरे ज्यादा व्यूज आए हैं, पूरे मंथ के अंदर किस वीडियो के ऊपर मेरे अभी भी व्यूज आ रहे हैं। जो व्यूज आ रहे हैं आपने सिंपल उस टॉपिक को पकड़ लेना है, वही आपका मेन टॉपिक है। जैसे कि अगर आपके वॉच टाइम वाली वीडियो पर व्यूज ज्यादा आए हैं तो आपने फिर वॉच टाइम वाली वीडियो लगानी है, और मैं आपको गारंटी देता हूं उसके ऊपर पहले से ज्यादा व्यूज आएंगे और उसके ऊपर पहले से ज्यादा सब्सक्राइबर आएंगे, क्योंकि आपके पास सिंपल वो वाली ऑडियंस ज्यादा है जो कि उस चीज को देख रही है। और ये आप एक मंथ के बाद अपना एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद अपने चैनल को आप ग्रोथ में देखेंगे। कभी भी ये नहीं देखेंगे कि आपके व्यूज कम हो रहे हैं, सब्सक्राइबर ड्राउन हो रहे हैं, हमेशा आपके सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे और आज भी हमारे बढ़ रहे हैं। यही वो चैलेंज है जो मैंने अपने आप से किया था, कि मैंने अगर यूट्यूब के ऊपर काम करना है तो मैंने पूरा मंथ एक ही टाइम के अंदर पूरा मंथ डेली बेसिस पर वीडियो लगानी है। कोई भी आ जाए, बारिश हो ना हो, मैंने वीडियो लगानी है और अपने टाइम पर लगानी है, और एक नया टॉपिक करना, कभी मैंने उसको रिपीट नहीं करना पिछले वाले टॉपिक को। एक मंथ ये काम किया, उसके बाद चैनल ग्रोथ में आ गया। अभी मेरी अपनी मर्जी है, आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग क्या चीज चाहते हैं, क्या चीज डिमांड करते हैं, हम वो चीज यहां पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन पहले पूरा मंथ मैंने नया से नया टॉपिक पूरा मंथ एक ही टाइम में अपलोड किया था, और यही वो चैलेंज है 30 डे का, जो अगर आप लोग अपनाते हैं तो मैं इसकी गारंटी देता हूं आपका चैनल ग्रोथ में आ जाएगा। कौन कौन बंदा रेडी है आपने कमेंट करना है, और कौन कौन बंदा ये काम करेगा उसने भी कमेंट करना है, क्योंकि एक मंथ के बाद मैं खुद चेक करूंगा आपके चैनल को कि आपने पूरा मंथ एक ही टाइम के अंदर वीडियो अपलोड की है और डेली बेसिस पर की है, और क्या आपके चैनल के अंदर इंप्रूवमेंट आई है। अगर नहीं आई तो फिर आपको मैं गाइड भी कर दूंगा कि आपने ये वाली मिस्टेक की, आपने ये नहीं करनी थी। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।